ब्रह्मांड या कहें तो यूनिवर्स इतना विशाल है कि पूरी मानव जाति भी अगर पूरे समय तक जीवित रहे तो भी इसके आकार को नाप नहीं सकती है। जब पहली बार हमारे पूर्वजों ने आसमान में टिमटिमाते तारों को देखा होगा तो वे जरूर हैरान रह गए होंगे कि आखिर ये चमकीली चीजें क्या हैं, इनका वजूद क्या है और क्यों ये हमें रोज रात को इसी तरह दिखाई देती हैं। हमारे पूर्वजों की इस जिज्ञासा और ललक के कारण ही हमें आज ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ पता है। पर वो कहते हैं ना कि नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती है, जितना आप पढ़ते रहेंगे और खोजते रहेंगे उतना ही आपको हर बार नया सीखने को मिलता रहेगा। ठीक इसी तरह ही हमारा ब्रह्मांड है। हमारे लाखों सालों के इतिहास में जितना हमने अभी तक इसके बारे में जाना है वो मात्र एक विशाल इन्फिनाइट पेजेस की किताब में लिखा एक अक्षर यानी कि एक वर्ड के बराबर है। हमने अभी तक पूरे यूनिवर्स को केवल 0.00000001% तक ही समझा है। यहाँ पर हर पल कुछ नया होता है और दूसरे पल में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है साइमिथ के इस नए वीडियो में, जिसमें मैं आज आपको ब्रह्मांड की उस सैर पर ले चलूंगा जो इससे पहले ना तो आपने सुनी होगी और ना ही देखी होगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे वीडियो के लिए जो आपकी इस यूनिवर्स की देखने की सोच को ही बदल देगा। इस वीडियो में आप यूनिवर्स के ऐसे फैक्ट्स जानोगे जो इससे पहले आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। द छवी स्टार। हमारे यूनिवर्स में एक ऐसा स्टार मौजूद है जो कि हर सेकंड चमकता है और फिर चमकना बंद कर देता है। ये ठीक एक डेकोरेशन एलईडी की तरह ऑन ऑफ होता रहता है। वैज्ञानिक इसके रहस्य को आज तक समझ नहीं सके हैं। 2011 में नासा के कैपलर टेलीस्कोप ने इसे पहली बार देखा था। ये तारा असामान्य तरह से अपनी रोशनी को कम ज्यादा कर रहा था। वैज्ञानिकों ने इसके अजीब बर्ताव को कई बार देखा पर वे इसे समझ ना सके। कुछ वैज्ञानिक इसके इस अजीब बर्ताव के पीछे विकसित एलियन सभ्यता की ओर इशारा कर रहे थे, तो कुछ का मानना था कि एलियंस द्वारा बनाया गया कोई विशाल मेगा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे सन जितना बड़ा है और ये लोग उसकी एनर्जी को लगातार खींच रहे हैं जिस वजह से ये हर सेकंड में अपनी लाइट को कम ज्यादा कर रहा है। 2011 में खोजे गए स्टार को टेवी स्टार से जाना जाता है। इस अजीब बर्ताव को फिर एक बार 2017 में देखा गया था। इस समय वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी नजरें इस पर गड़ा रखी थी। 2017 में हुए अध्ययन से पता चला कि ये वास्तव में स्टार कोई एलियन मेगा स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि उसके पास मौजूद किसी बड़े पिंड की धूल के कारण हमें ये बार बार कम ज्यादा रोशनी में चमकता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है कि स्टार के पास कोई बड़ा ग्रह या चंद्रमा रहा हो जो कि इसकी जबरदस्त ग्रेविटी के कारण धूल बनकर अब इसके ही चक्कर लगा रहा है। फिलहाल पृथ्वी से ये तारा करीब 1470 लाइट ईयर दूर है, जिस कारण कुछ भी कहना हमारे लिए जल्दबाजी होगी। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। टैबी स्टार की अजीब चमक और हैरान कर देने वाली दुनिया से अब हम आगे चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर रहते हैं ब्रह्मांड के सबसे पुराने ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स इतने पुराने और बड़े हैं कि इनमें अरबों सूर्य समा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने 83 यानी 83 प्राचीन ब्लैक होल्स खोजे हैं जो कि तब के हैं जब शायद यूनिवर्स की उम्र आज की 10% रही होगी। ये ब्लैक होल तब बने थे जब 14 अरब साल पुराना हमारा यूनिवर्स केवल 1.5 अरब साल का था। ये सभी ब्लैक होल्स हमें क्वाजार्स की मदद से दिखाई देते हैं। क्वाजार किसी ब्लैक होल की एक डिस्क होती है जिसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा होती है कि अरबों तारे भी एक साथ इसके साथ चमकने की कोशिश करें तो ये उन्हें भी फीका कर दे। यहाँ पर खोजा गया क्वाजार J04319+1634 हमारे सूर्य से 600 खरब गुना से भी ज्यादा ब्राइट है। हर गैलेक्सी के सेंटर में इस तरह के सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं जो कि क्वाजार के रूप में हमें टेलीस्कोप से दिखाई देते हैं। यहाँ हैरानी की बात इन्हें खोजने से ज्यादा ये है कि ये ब्लैक होल इतने पुराने हो चुके हैं कि जो रोशनी हमें उनकी आज पृथ्वी पर दिखाई देती है वो 13 अरब साल पुरानी है, यानी कि हम इन्हें 13 अरब साल पुराना ही आज देख पा रहे हैं। कोई नहीं जानता है कि जिस जगह पर हमें ये दिखाई दे रहे हैं क्या ये आज भी उधर हैं या कहीं और भटक कर निकल गए हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में हमें हर जगह तारे और आकाश गंगाएं दिखाई देती हैं। जहां भी नजर डालो वहां पर तारे, ग्रह और गैलेक्सीज ही नजर आती हैं। इस विशाल यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सीज हैं और उन गैलेक्सीज में खरबों ही तारे और ग्रह हैं। पर खरबों गैलेक्सी को समा लेने वाले इस यूनिवर्स में कुछ जगह ऐसी भी हैं जो कि एकदम खाली हैं। ये इतनी खाली हैं कि इनके खालीपन का दायरा ही आपको हिला कर रख देगा। यूनिवर्स में इन खाली जगहों को वॉइड्स कहते हैं, जो कि एक तरह से वो हिस्सा होता है
जहां पर ना के बराबर ही गैलेक्सीज होती हैं। इन्हीं बोइड्स में एक ऐसा बोइड भी है जो कि इतना विशाल है कि आप उसमें कम से कम 10,000 गैलेक्सीज को भर सकते हैं। समूचे ब्रह्मांड का 0.27% एरिया कवर करने वाला ये बोइड बहुत बहुत विशाल है। पृथ्वी से 70 करोड़ लाइट ईयर दूर इस बोइड का फैलाव करीब 30 करोड़ लाइट ईयर्स में है, जिसका मतलब है कि इसमें एक बार फंसने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से भी बाहर आने की कोशिश करे तो उसे 30 करोड़ साल लग जाएंगे। ये बोइड हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 3000 गुना बड़ा है। तस्वीर में आप गैलेक्सी के क्लस्टर्स यानी उनके ग्रुप्स के साथ साथ कुछ काली जगह भी देख पा रहे होंगे। ये काली जगह ही वॉइड्स हैं, जो कि इन गैलेक्सीज के क्लस्टर से भी बहुत विशाल हैं। इनमें सबसे विशाल वॉइड का नाम ही वोर्टीज वॉइड है। 930 लाख करोड़ किलोमीटर दूर एक तारे से रोज आते हैं रहस्यमय सिग्नल। मई 2015 रशियन टेलीस्कोप ओरेटेन 600 ने 94 लाइट ईयर दूर एक सूर्य जैसे तारे के रहस्यमय सिग्नल कैच किए थे। इस स्टार का नाम HD164595 है, जो कि आश्चर्यजनक रूप से हमारे सूर्य की तरह ही है। इसकी केमिकल स्ट्रक्चर और आकार भी सूर्य के समान है और यह केवल सूर्य से 1% ज्यादा चमकदार है। उम्र के मामले में भी यह सूर्य से केवल 10 करोड़ साल छोटा है, जो ज्यादा फर्क नहीं है। इस तारे से प्राप्त हो रहे रहस्यमय सिग्नल ने कई वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। उनका मानना था कि ये सिग्नल या तो तारों से खुद आ रहे हैं या फिर कोई रहस्यमय एलियन सभ्यता इसे पृथ्वी पर हमारी तरफ भेज रही है। फिलहाल किसी भी सूरत में हम आज तक इस सिग्नल को डिकोड नहीं कर सके हैं। वैज्ञानिकों का मानना यह भी है कि HD164595 स्टार के आसपास एक नेपच्यून जैसे आकार का ग्रह है, जहां से शायद ये सिग्नल हमें मिल रहे हो। पर इतनी दूर 94 लाइट ईयर से सीधे पृथ्वी पर सिग्नल भेजना कोई आसान काम नहीं है। अगर ये सिग्नल एलियंस ने भेजे हैं तो उन्हें सिर्फ इस छोटे से काम के लिए 50 ट्रिलियन वॉट ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जो कि इतनी ज्यादा है कि पूरी मानव जाति इतनी ऊर्जा को एक साथ कभी इस्तेमाल भी नहीं कर सकती है। इस तारे से आते सिग्नल के बारे में एक खास बात यह भी है कि जब पहली बार वैज्ञानिकों ने इसे रिसीव किया था तो वे इसे एक साल तक पूरी दुनिया से छिपाते रहे और एक साल के बाद ही इसका खुलासा किया। इसके पीछे कारण बताया गया कि जिस टेलीस्कोप के जरिए इन रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट किया गया था वो इतने सक्षम नहीं है, इसलिए पूरी जानकारी के बाद ही इस खबर को दुनिया के सामने रखा गया था। द ज़ॉम्बी स्टार, एक ऐसा स्टार जो बार बार मरकर जिंदा हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि जब एक तारा अपना पूरा फ्यूल खत्म कर लेता है तो वह एक जोरदार धमाके सुपरनोवा करके ही खत्म होता है। ये सुपरनोवा किसी स्टार में केवल एक बार ही होता है और उसके बाद वो स्टार या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है या फिर ब्लैक होल बन जाता है। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि कोई भी स्टार केवल एक बार ही सुपरनोवा धमाका कर सकता है, पर उनकी ये बात कुछ साल पहले एक अजीब से स्टार ने गलत साबित कर दी। 1954 में जब पहली बार वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 50 करोड़ लाइट ईयर दूर IPTF-14HLS स्टार को देखा था तो उन्हें उसमें सुपरनोवा धमाका होता हुआ दिखाई दिया। ये धमाका काफी ज्यादा चमकीला था तो इसलिए आसानी से टेलीस्कोप में डिटेक्ट हो गया। पर जब दोबारा इस तारे पर 2014 में नजर डाली गई तो पता चला कि स्टार फिर से सुपरनोवा धमाका कर रहा है। वैज्ञानिक इसके दोबारा फटने की वजह से हैरान रह गए। पहले उन्हें लगा कि शायद उस तारे की जगह कोई और दूसरा तारा आकर के सुपरनोवा धमाका कर रहा है, पर जब गहराई से नजर डाली गई तो पता चला कि ये वही स्टार है जो कि 1954 में भी फटा था। ये आज तक एक रहस्य ही है कि भला एक तारा सुपरनोवा धमाका करने के बाद दोबारा कैसे जीवित है और फिर दोबारा कैसे सुपरनोवा कर पा रहा है। आम तौर पर तो एक ही धमाके के बाद तारे न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में बदल जाते हैं, पर IPTF-14HLS स्टार तो इसके एकदम विपरीत है। वैज्ञानिक इस सवाल से बच रहे हैं और उनका मानना है कि शायद ये तारा सूर्य से 100 गुना ज्यादा बड़ा, भारी और विशाल है, तो ये बार बार सुपरनोवा धमाका कर रहा है। हो सकता है कि सूर्य से 100 गुना मैसिव तारे कई बार धमाके करते हों। वैज्ञानिकों ने इस अजीब तारे को, जो कि एक बार मरकर दोबारा जिंदा होकर फिर मरता है, ज़ॉम्बी स्टार का नाम दिया है। फिलहाल तो वैज्ञानिक इसे मरा हुआ समझ रहे हैं, पर पता नहीं भविष्य में ये कब फिर से जिंदा हो जाए। ब्रह्मांड में इससे भी ज्यादा रहस्यमयी और विचित्र चीजें हैं जो आपको पता भी नहीं होंगी। इस वीडियो के इस पार्ट में हम केवल इन 5 रहस्यमयी चीजों को ही कवर कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोस में आपको और भी ज्यादा रोचक और रहस्यमयी फैक्ट्स मिलने वाले हैं, तो तैयार जरूर रहना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा और कौन से फैक्ट ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर आप साइंस के सबसे बड़े फैन हैं और इसी तरह साइंस के टॉपिक्स को हिंदी में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट vigyanam.com पर जरूर जाएं। ये हिंदी में बनी पहली साइंस साइट है जिसमें हर चीज पर गहराई से लिखा गया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपको अगले हफ्ते एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दोस्त शिवम।